मोहब्बत तो वो तुमसे भी करता है, तुमने बताया था मुझे। बहुत फर्क होता है किसी को पसंद करने में और किसी से मोहब्बत करने में। जान से प्यारा जूनी 24 अप्रैल से बुध शब 8 बजे। अमीन, जी आप बुलाया आपने? कहाँ जा रहे थे तू? दफ्तर के लिए निकल रहा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। तुम पे एतबार करके मैंने बहुत बड़ी हालती की। ऐसा क्या हो गया? कुछ और होना बाकी है। आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे, ख्वाब वो कारोबार का मसला हो या पुलिस का। अरसल जी, अम्मी गाड़ी निकल। जी सुबह सुबह ही आ गए। खैरियत नहीं है। सा क्या हो गया? हो तो बहुत पहले चुका है, मुझे इल्म अब हुआ। तुम जानती हो मुझ पर गोली किसने चलाई? मुझे कैसे पता होगा? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा। अच्छा, तो आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे पता है कि आप पर गोली किसने चले, और ये बात मैं आपसे छुपा रही हूं, है ना? जानते हैं इस बात का मतलब क्या हुआ? मतलब जानकर ही दुख हुआ है। समझ नहीं पा रही मैं अमीन साहब क्या कहना चाह रहे। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा कि तुम ऐसा क्यों किया। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? शक नहीं करता, हालांकि करना चाहिए। शायद इसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या बात है, बताए ना मुझे। वादा करती हूँ झूठ नहीं बोलूंगी। मलाइका, मुझ पर गोली मुस्तफा ने चलाई है। मुस्तफा? वो कैसे? हाँ मुस्तफा, क्योंकि मैं उसी से मिल के आ रहा हूं। दुख इस बात का नहीं है कि उसने मुझ पर गोली चलाई, दुख इस बात का है कि तुम उसके साथ मिल गई हो। और ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा मैं। मुझे अफसोस है मलाइका कि हमारी कहानी का अंजाम तुम्हारे हक में जाने वाला नहीं। नहीं अमीन साहब, झूठ है ये, वाकई झूठ है। मुस्तफा तो मर चुका है ना, मैंने तो उस दिन के बाद से उसकी शक्ल तक नहीं देखी। आप चाहे किसी की भी कसम उठा लें, लेकिन प्लीज ऐसा इल्जाम मत लगाए मुझे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा मलाइका। कोई नहीं चाहता कि अपने महबूब पर कोई इल्जाम लगाए। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो मेरा यकीन करें। मेरी मोहब्बत तो सच्ची है, सवाल यहां तुम्हारी मोहब्बत का है। मुझे अफसोस है मलाइका के फूल से शुरू होने वाली मोहब्बत का अंजाम इस पर हो रहा है। नहीं,
शायद मैंने बुनियाद ही गलत रख दी। अगर आपको लगता है कि मुस्तफा ठीक है तो फिर मैं इसकी मुस्तहक हूं। बस इतना चाहूंगी कि आप मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दें। अदा करती बेगुनाह साबित होते ही आपकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी। दोनों सूरतों में सारा तो मेरा ही रहा ना, उसे इंतखाब करने में चूक हो गई। इसका मौका नहीं मिलेगा। मुरीद, मुरीद, उठ जाओ, नाश्ता नहीं करना है। मुरीद, मैं आपको बंद आंखों से भी देख सकता। वैसे भी कोई जादूगर नहीं हो तुम। सही कहा आपने, जादूगर तो नहीं हूं मैं, लेकिन वो तो हूं ना जिस पर जादू चल गया। पूछेगी नहीं मुझसे कि ऐसा कौन सा जादू है जिसने बरसों से मेरी जागती हुई आंखों को नींद दे दी है? नहीं, मत सुखाइए इन नसरों को प्लीज। मेरी जिंदगी का तो लोभ होता हुआ सूरज मुझे अपनी आंखों से देखने दीजिए। जाना जरूरी है क्या? नाश्ता नहीं करना तो क्यों? जरूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए नाश्ता करना जरूरी है। नहीं तो मेरे जिंदा रहने के लिए सिर्फ आपको देखना, और ऐसे ही देखते चले जाना जरूरी है। हेलो, तुम
सर, ये अमीन कुरैशी साहब की बड़ी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा बेटा है अरसद। सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मुलाकात हो चुकी है इनसे मेरी। आप प्लीज बैठे। तुम्हारी कहानी सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने क्या किया, क्यों किया, ये सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। तुम क्या चाहते हो ये बोलो। जब मेरी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है आपको, तो ये क्यों जानना चाहती हैं कि मेरी चाहत क्या है? कैदी को आजादी चाहिए होती, और जख्मी को मरहम। मैं कैदी भी हूं और जख्मी भी। आजादी और मरहम दोनों चाहिए मुझे। आजादी करवाते हैं तुम्हारे, मगर एक शर्त। और मरहम? मरहम नहीं लगाएंगे। मरहम कैसे लगेगा ये मरहम, बोलो। इस आग को अब सिर्फ इंतकाम का पानी बुझा सकता है मैडम। हाँ तो लो ना इंतकाम, जिसने तुम्हें धोखा दिया। सगा भाई है आपका, आप यहाँ अपने सगे भाई के सर का सौदा करने आई हैं? हाँ है वो मुझे। सानवी, असल मुझे तुम्हारी बीवी है। जाओ ले लो से अपने सारे इंतकाम, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। दूंगा सारे इंतकाम लूंगा, मगर अमीन कुरैशी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। इस बारे में मैं तुमसे इसलिए भी बात नहीं करना चाहती कि असल कसूरवार वो औरत है। मैं भी एक औरत, और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि अगर औरत की रजा शामिल ना हो तो मर्द अपाहिज होता है, चाहे वो जितना भी ताकतवर और मालदार क्यों ना हो। ना तो वो औरत को झुका सकता है और ना ही वो औरत को खरीद सकता है। तुम्हारी कसूरवार तुम्हारी बीवी है। अमीन से बदला लेना तुम्हारी इस बात का सबूत है कि तुम अभी भी उस औरत को बेगुनाह समझते हो, और अगर ऐसा है तो तुम मेरे लिए काबिल रहम हो। बहुत अच्छे दलाइल हैं। मगर आपने मेरी कहानी सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर आप सुन लेती हैं तो आपको मुझ पे तरस ना आता, मुझसे खौफ आता। मैं इस वक्त इंतकाम नहीं लेना चाहता, मैं इस वक्त खुद मुजस्म इंतकाम। मैं आंखें खोलने आई हूं तुम्हारे। अंधा होता है इंतकाम, इसीलिए तो दीवारों से टकरा है। मैं तुम्हारी आजादी का इंतजाम करती हूं, जाओ और इंतकाम ले लो उससे। मेरे भाई और मेरे खानदान पे लगे हुए धब्बे को साफ कर दो, वरना ये कैद खाना कब तुम्हारी कब्र बन जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रिश्तों की डोर जब उलझ जाए ना, तो सुलझाने वाले के सिर्फ हाथ जख्मी होते हैं, रिश्ते ठीक नहीं होते। इस वक्त आपका और आपके भाई का रिश्ता उलझ चुका है, जैसे मेरा और सौदा मंजूर है मुझे। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा आप, कि कहानी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कहानी का हर किरदार अपने अंजाम को ना पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक कहा था।
सब अंजाम को पहुंची। मुझे उम्मीद है आप मेरे कहने के मुताबिक अब बेहतर हैं। आपको आपका इनाम मिल जाए। थैंक यू मैम। इस मलंग ने तो कुरैशी खानदान की बुनियादें हिला दी। करना क्या है अब सर? करना क्या है, छोड़ दो इसे। ओके सर। ऐसा भी क्या किया है तूने जो उनके लिए इतना कीमती हो गया है? कीमती? कभी कभी ना खाक भी बहुत कीमती हो जाती है। और इंस्पेक्टर साहब, मैं खाक ही झाड़ोगे तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन ये याद रखना कि नकुश भी साथ लेके जाऊंगा। खोलो दरवाजा। खोलो। सर, अमीन कुरैशी साहब की बहन आई थी, उन्होंने कहा है उसे छोड़ दें। कहाँ जा रहे हो मरीज? वापस आने के लिए जा रहा हूँ। पिस्टल निकालो। क्या? पिस्टल निकालो। पिस्टल? ये मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है। तो ऐसी जगह क्यों जा रहे हो जहाँ तुम्हें इसकी जरूरत पड़े? तुम कहीं नहीं जाओगे। बस किसी को मेरी जरूरत है, मेरा जाना जरूरी है। मुझसे ज्यादा जरूरत है? नहीं, आपसे ज्यादा जरूरी तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद मुरीद भी नहीं। ठीक है, तो फिर तुम नहीं जाओगे। लेकिन जाना जरूरी है, प्लीज इजाजत दे दीजिए। इजाजत मैं नहीं दूंगी मुरीद। फिर भी जाना चाहते तो चले जाओ, तुम्हारी मर्जी। क्या हो अस्मा? क्या हुआ? क्या है बात? अरे बात तो सुन। क्या हुआ? जाओ, तुम जाना चाहते हो ना? ऐसे कैसे जा सकता हूं मैं? जैसे पहले जा रहे थे वैसे चले जाओ। अच्छा, तो अब मेरी बेबसी का मजा ले रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, तुम बेबस नहीं हो, तुम तो आजाद हो। आजाद था लेकिन अब नहीं हूं, कैदी हूं। मोहब्बत का कैदी, आपकी मोहब्बत का कैदी। और कैदी भी वो जो आजाद नहीं होना चाहता। पर तुम तो जाना चाहते हो ना, तो जाओ। अरे कौन कम बख्त आजाद होना चाहता है इस कैद से जिसकी जंजीर इतनी खूबसूरत है। उठो, उठो। कंफ्यूज्ड हो तुम मुरीद, जंजीर से मोहब्बत भी करते हो, आजादी भी चाहते हो। खुदा की कसम, इस कैद से आजाद नहीं होना चाहता मुरीद। सच कहूं तो इसी कैद में मरना चाहता। काश मुझे पता होता कि मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत इस खूबसूरत हाथ की लकीरों में लिखी है। काश पहले पता होता। तो फिर यकीन करना मुरीद, तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है और ये मरने मनाने की बातें आइंदा मेरे साथ मत करना। और ठीक है,
जहाँ जाना चाहते हो आज चले जाओ। तुम्हारे जो भी काम है ना वो सारे काम खत्म करके वापस आना, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी पे माजी का साया नहीं चाहती। अभी अब चला जाऊंगा लेकिन थोड़ी देर तक। क्यों जाओ? थोड़ी देर और ऐसे ही देख लूं फिर चला जाऊंगा। देखिए जाओ। तो थोड़ी देर मतलब जाओ हो रही, तुम्हें जाना था ना। हाँ हाँ लेकिन क्या? चलो जाओ। चला जाओ। नहीं जाओ। क्या मैं देख भी नहीं सकता? जाओ वरना फिर जाने नहीं दूंगी। जाओ। क्या हो? जानते हो उस औरत को? किसको? मलाइका को। जी मुझे उसके घर ले चलो। जी अम्मी। हेलो, आपके पास वक्त बहुत कम है। इसका मतलब अमीन साहब ठीक कह रहे थे, मुस्तफा वाकई जिंदा है, इसीलिए वो मुझ पर शक कर रहे थे। बात इससे बहुत आगे बढ़ गई है मलाइका जी। मुस्तफा ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उज़्मा बेगम ने उसकी जमानत भी करवा दी है। अभी आप खतरे में हैं। उस औरत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाइए। मैं आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस वक्त आपका ये जगह खाली करना बहुत जरूरी है। निकल जाइए जितना जल्दी हो सकता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुरीद, अगर मुझे जरूरत होगी तो आवाज दे दूंगी। वालेकुम सलाम। अंदर मलाइका को बताएं कि अमीन कुरैशी की बहन उनसे मिलने आई है। लेकिन साहब वो तो घर पे नहीं है। कहाँ है मलाइका? अभी थोड़ी देर पहले बाहर गई हैं। कहाँ गई हैं कुछ बता कर नहीं गई। आप चाहे तो अंदर आके भेंट कर सकती हैं। अरसब चलो घर। कहाँ भेजती हो सोरा? किस औरत को आपा? जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा लेकिन आप बताइए कि आपने उसे क्यों छोड़वाया जिसने मुझ पर हमला किया। मुस्तफा, नाम लो उसका। यूं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। जो होनी थी वो हो गई, अब अनहोनी ना हो जाए इसलिए बता दो मुझे। उस औरत को हमारे गले से सिर्फ मुस्तफा ही निकाल सकता है। बताओ मुझे अमीन मियां कि वो कहाँ है? मैंने उसको कहीं नहीं भेजा, वो घर पर ही थी। क्यों अचानक कहाँ गायब हो गई? फोन करो उसे, पता करो उसका। अमीन फोन करो उसे, हमारे पास वक्त नहीं है इससे पहले कि ये बात हर तरफ फैल जाए। और खास तौर पे अगर तुम्हारी बीवी बच्चों को ये बात पता चल गई तो बाकी की जिंदगी तुम जी नहीं पाओगे।
हैरान ना हो और परेशान भी ना। आज सारे अधूरे सवालों का जवाब देकर जाऊंगी मैं। आपकी हस्बैंड का फोन आ रहा है, जानना चाह रहे होंगे ना कि मैं कहाँ हूँ। बता दीजिए कि मैं यहीं हूँ। अगर मजीद और अंधेरे में नहीं रहना चाहती तो फोन उठा लीजिए। आसिया बात कर रही हूँ, जिसे आपने फोन किया है वो हमारे घर। गरीब घर पे कौन आ गया? कोई औरत जिसे आपने रेस्टोरेंट पे देखा था और अपनी अम्मी को भी बताया था, जिस पर आपको शक था, लगता है कोई फैसला कर चुकी है, सुनाने के लिए आई। मुस्तफा भाई को जानती हैं आप, जिनसे मिलवाया था मैंने आपको? उनकी साहब का बीवी है, बहुत मोहब्बत करता था वो इस बेवफा औरत से, दिलो जान से चाहा, उसके बगैर तड़पता रहता है, लेकिन उसने साहब के साथ मिलकर छोड़ दिया उसे। साहब सिर्फ इंसानों के नहीं, बहुत सी मोहब्बतों के भी कातिल है। तुम यहां क्या कर रही हो? आसिया अमीन कुरैशी को उस दिन रेस्टोरेंट में जो आपने झूठी कहानी सुनाई थी ना, उसकी माजरत करने आई हूं। सच बताने आई हूं अमीन साहब। बकवास कर रही है ये। आसिया, मैं सौरभ को उतना ही जानता हूं जितना उस दिन रेस्टोरेंट में बताया था, बल्कि इसने खुद भी बताया था अपने बारे में। गार्ड्स को बुलाओ और निकालो उसको यहां से। इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और वैसे भी इस गिरते हुए खानदान को मजीद और धक्का देने की जरूरत नहीं है मुझे। ये लीजिए, ये आपके लिए। ले लीजिए। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरा और अमीन साहब का क्या ताल्लुक था। और भी सबूत है मेरे पास। आप और से देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। मुझे ये सब कुछ दिखा के आप क्या चाहती हैं? चाहती तो मैं इनको थी, इनके लिए मुस्तफा को भी छोड़ती। आप तो नहीं जानती होंगी ना मुस्तफा कौन है? मुस्तफा वही है जिसने इन पर गोली चलाई थी। अमीन, ये क्या कह रही है? बकवास कर रही है ये। आवाज नीची रखिए अमीन साहब, मत भूलिए ये मैं मीडिया के हवाले भी कर सकती हूं।
तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत तो मैंने कभी किसी से नहीं की। जानते हैं अमीन साहब, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर उसके किरदार और मोहब्बत पर शक। नहीं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये भी तो बता के जाए ना कि मुरीद आपके साथ मिला। ये तो तुम लोग का खानदानी मसला है, हर वफादार पर शक करते हो। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे मामू को मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अरे एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, शायद आप लोग ये नहीं जानते हो कि आपकी बेटी अस्मा को इनके दुश्मन ने अगवा करवाया था। एमन, अपना सामान बांधो, अब मजीद हम इस घर में नहीं रुकेंगे। जाओ। ने मेरी तरबियत पे सवाल उठाया था और मैं यही सोचती रही कि मुझसे कहां चूक हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटियां अपने बाप के किए का कफारा अदा कर रही हैं।